नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी वॉइसेस। दोस्तों, अभी हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आई है, काफ़ी अर्जेंट रिक्वायरमेंट आई है। इसमें हमें सिर्फ 3 दिन का टाइम मिला, मीन्स आज गुरुवार है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार, और इन 3 दिन के अंदर हमें कैंडिडेट का, मीन्स जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उनका प्रोसेस करना होगा। ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि इसमें स्पेशल वर्क परमिट निकलने वाला है, और ये वर्क परमिट मीन्स अभी अप्लाई करेंगे तो उनका मीन्स 15 डेज से लेकर 45 डेज के अंदर कभी भी आ सकता है, मार्च महीने में बंदे का वर्क परमिट उसके हाथ में होगा अगर अभी अप्लाई करते हैं तो, और हो सकता है कि उनकी फ्लाइट भी हो जाए। सो टोटल जो टाइमिंग रहेगा इसमें 60 डेज कम से कम रहेगा, मीन्स 60 डेज के अंदर इनका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, और वीज़ा उनको 30-40 डेज के अंदर आ ही जाएगा उनका वीज़ा। काफ़ी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, कंपनी की तरफ से ही अभी शाम के टाइम ही हमारे पास में कॉल आया है इसके बारे में। दोस्तों, रिक्वायरमेंट एसी मैकेनिक की है, एसी टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है, एसी मैकेनिक, एसी टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है। इसमें एक्सपीरियंस अगर उनका इंडियन एक्सपीरियंस हो या गल्फ एक्सपीरियंस तो सैलरी अलग होगी। अगर कैंडिडेट को सिंगापुर का ही एक्सपीरियंस है, अगर कैंडिडेट सिंगापुर से रिटर्न है, यूटर्न कैंडिडेट है, तो उनकी सैलरी अलग रहेगी। दोस्तों, इंडियन एक्सपीरियंस में 2-3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सेम गल्फ का या किसी दूसरे देश का एक्सपीरियंस होगा तो 2-3 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी है। क्वालिफिकेशन में बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। कैंडिडेट आईटीआई होना चाहिए और उसके ऊपर उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर डिप्लोमा होल्डर होगा तो भी अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स कम से कम आईटीआई की क्वालिफिकेशन होना चाहिए और एक्सपीरियंस, उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उनके पास में होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तभी हम आगे प्रोसेस कर पाएंगे। दोस्तों, कम से कम 2-3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो किसी भी देश का हो, इंडिया का हो, गल्फ का हो, किसी और दूसरे कंट्री का हो या सिंगापुर का हो, लेकिन सैलरी में अंतर आ जाएगा अगर सिंगापुर का एक्सपीरियंस है तो या नहीं है तो। अगर अदर देन सिंगापुर में, सिंगापुर में जिनको एक्सपीरियंस नहीं है उन लोगों को $25 पर डे की सैलरी मिलेगी, $25 8 घंटे की सैलरी होगी। और ये सैलरी अगर हम देखते हैं, कैंडिडेट अगर 4 घंटे ओवरटाइम पर डे करता है तो कम से कम $1100 सैलरी अर्न कर सकते हैं। बेसिक सैलरी होगी 8 घंटे की $650, लेकिन अगर वो ओवरटाइम 4 घंटे पर डे 26 दिन काम करते हैं तो उनकी सैलरी 1100 से ऊपर ही होने वाली है। 1100 की सैलरी लगभग 60,000 के लगभग होती है, 60,689 जैसी होती है। और अगर वो वीकली ऑफ पे भी काम करते हैं 12 घंटे के हिसाब से, 8 घंटे के हिसाब से भी करेंगे ना वीकली ऑफ में, तो टोटल सैलरी उनकी 1400 तक हो सकती है। 1400 सैलरी मतलब ये मान के चलो कि लगभग 77,000 जैसी सैलरी हो जाएगी। और अगर वो मिस डिपेंड करता उनके ऊपर, अगर वो 12 घंटे से ज़्यादा काम करना चाहेंगे, वैसे 12 घंटे से ज़्यादा का काम अवेलेबिलिटी के ऊपर होता है। जो काम ओवरटाइम जो नॉर्मल मिलता है ना, वो 12 घंटे तक का तो मिल जाएगा, 4 घंटे का ओवरटाइम तो मिल जाएगा उनको, लेकिन उसके ऊपर अवेलेबिलिटी के ऊपर होता है, बंदे की कैपेसिटी के ऊपर होता है। क्योंकि काम करने के लिए कैपेबल भी होना चाहिए, अगर जो कैपेबल होंगे करना चाहेंगे और ओवरटाइम अवेलेबल है तो डेफिनेटली उनको उनसे भी ज़्यादा अर्निंग के चांसेस हो सकते हैं ओवरटाइम में। दोस्तों, कंपनी की तरफ से सैलरी मिलेगी, फूड मिलेगा, लेकिन अभी नहीं मिलेगा, फूड कंडीशनल है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अभी जब तक वैक्सीन का असर प्रॉपर नहीं होता है, कोरोना की सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती है और क्वारंटाइन का फंडा खत्म नहीं होता है, मीन्स जब तक क्वारंटाइन होता रहेगा तब तक कैंटीन बंद रहेगी, कैंटीन बंद रहेगी तो फूड अभी नहीं मिलेगा। फूड कैंडिडेट को खुद अरेंज करना होगा, फूड वो खुद अरेंज करेंगे, और जैसे क्वारंटाइन का ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद कैंटीन जैसी चालू होती है, कैंटीन चालू होने के बाद में कैंडिडेट को फूड कंपनी तरफ से फ्री मिलेगा और एकोमोडेशन कंपनी तरफ से मिलेगा, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस सब कुछ कंपनी तरफ से फ्री मिलने वाला है। दोस्तों, ये सारी फैसिलिटी कंपनी जो स्टैंडर्ड पॉलिसी है उसके हिसाब से सभी को प्रोवाइड करेगी। सैलरी जो उनकी मंथली सैलरी है, ये बेसिक सैलरी $650 होगी और ओवरटाइम मिला के जो उनकी सैलरी बनेगी लगभग 1400-1500 तक की सैलरी अर्न कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट सिंगापुर एक्सपीरियंस है, जिनको सिंगापुर का ही 2-3 साल का 4 साल का एक्सपीरियंस है, उनकी मिनिमम सैलरी बनेगी वो $1900 बनेगी, $1900 मीन्स $1900 सिंगापुर डॉलर की सैलरी बनेगी। जो इंडियन करेंसी में सैलरी बनती है 1,04,815 रुपये के लगभग। दोस्तों, सोचो मीन्स इस प्रोफाइल में कितना अच्छा वेटेज है। अगर आपको एक्सपीरियंस है
और आपका प्रोफाइल रिलेवेंट है तो आप डॉक्यूमेंट्स लेके हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। इसमें मंडे तक का टाइम रहेगा, सो मंडे के लिए जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे वो लोग डेफिनेटली डॉक्यूमेंट्स लेके, डॉक्यूमेंट्स में आपको ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं लाना है, पासपोर्ट जी पासपोर्ट ऑरिजिनल लेके आना है, फोटो लेके आना है और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो लेके आना है, और आई टी आई की सर्टिफिकेट जो आई टी आई में पढ़ाई की आपने या एजुकेशनल में जो डिप्लोमा आई टी आई जो भी आपकी क्वालिफिकेशन उसके सर्टिफिकेट लेके आना है। सभी डॉक्यूमेंट्स का एक जेरक्स सेट होना चाहिए और सभी डॉक्यूमेंट पीडीएफ में होना चाहिए और एक वाइट बैकग्राउंड की फोटो होना चाहिए। दोस्तों रिज्यूमे जब भेजेंगे तो रिज्यूमे आपको एक कॉपी मीन्स वर्ड फॉर्मेट कॉपी जरूर रखना, क्योंकि वर्ड फॉर्मेट कॉपी की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है। और वर्ड फॉर्मेट कई बार लाइक ऐसा होता है कि कुछ कैंडिडेट्स जेपीजी मीन्स उसकी पिक्चर लेके रिज्यूम की पिक्चर लेके भेजते हैं, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें वैसे तो अगर आप खुद भेज सके तो बेस्ट है, आप एक फाइल बना के भेजें जो आपका रिज्यूम जिसमें रिज्यूमे आना चाहिए, आपका पासपोर्ट आना चाहिए, फोटो आना चाहिए और मिस जो आपके आईटीआई या डिप्लोमा की सर्टिफिकेट वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एक ही फाइल में आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और अगर एक में नहीं है तो आप रिज्यूम वर्ड फॉर्मेट में ज़रूर भेजें। दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि डॉक्यूमेंट जो हमारे पास प्रॉपर फॉर्मेट में आएंगे तो फिर आपको हम दोबारा डिस्टर्ब नहीं करेंगे और डॉक्यूमेंट्स इमीजिएटली क्लाइंट के पास चले जाएंगे। और टाइमिंग रहेगा 11 से लेकर शाम के 5 बजे के बीच में, सोमवार से शनिवार के बीच में आप आ सकते हैं। मंडे को अगर 4 बजे तक भी अप्लाई करेंगे तो भी हम इस प्रोफाइल में अप्लाई करवा सकते हैं। वीज़ा अर्जेंट वीज़ा अप्लाई होगा और ये वीज़ा वर्क परमिट वीज़ा होगा जो कि कैंडिडेट के पास मिस मंथ ऑफ मार्च में डेफिनेटली आएगा आ जाएगा। दोस्तों रिक्वायरमेंट काफ़ी अर्जेंट है और वीज़ा अप्लाई करने के टाइम में हम बोल देंगे कि आपका वीज़ा कब आने वाला है टेंटेटिवली, और आपको पता है कि सिंगापुर की प्रोसेस चालू हो चुकी है और वीज़ा निकलना चालू हो चुके हैं। सो दोस्तों जो लोग भी रिलेवेंट है वो लोग प्लीज़ डॉक्यूमेंट लेके हमारे ऑफिस में आए, और ऑफिस का टाइम आपको पता ही है, एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूंगा। सर्विस चार्ज भी जो मिस जनरल हेल्पर का सर्विस चार्ज होता है उससे कम ही रहता है, ट्रेड का जो ट्रेड के लिए सर्विस चार्ज होगा वो सर्विस चार्ज अप्लाई होगा। सर्विस चार्ज के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप जो नंबर दिए जाएंगे उन नंबर पर ऑफिस टाइम में कॉल करेंगे तो आपको डेफिनेटली जानकारी मिल जाएगी, और इसमें समय कम है इसलिए फास्ट आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। जो लोग आउट ऑफ गुजरात के हैं वो लोग भी कॉल करके पता कर सकते हैं, अगर उनसे संभव होता है तो प्रोसेस को मिस कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन तरीका आपको हमारे ऑफिस वाले फ़ोन पर बता देंगे जो भी प्रोसेस रहेगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो कैंडिडेट फिट होंगे तो उनको हम प्रोसेस करवा सकते हैं, लेकिन हमारी प्रोसेस से कंफर्टेबल भी होना चाहिए, सर्विस चार्ज से कंफर्टेबल होना चाहिए, और जो टाइम पीरियड है इस टाइम पीरियड में वेटिंग के लिए भी कंफर्टेबल होना चाहिए, जो सैलरी ऑफर हो रही है उस सैलरी से भी कंफर्टेबल होना चाहिए, वर्क परमिट वीजा के लिए एलिजिबल भी होना चाहिए। सो दोस्तों जो लोग भी अगर बाहर के हैं इंटरेस्ट इन प्रोफाइल्स में वो लोग भी डेफिनेटली आ सकते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, अभी जैसे हमारे यहाँ पर 27 तारीख को 27 जनवरी को हमारे ऑफिस में दोबारा WP मीन्स वर्क परमिट के लिए एक इंटरव्यू होने वाला है, उसमें जो लोग भी प्लान करना चाहते हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा पहले हमने इससे पहले फोरक्लिफ्ट ऑपरेटर JCB ऑपरेटर के लिए अप्लाई किया, मीन्स इसमें वीडियो अपलोड किया था, आपको वैकेंसी शेयर की थी, जनरल हेल्पर की इलेक्ट्रीशियन कारपेंटर की वैकेंसी हम आपको ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, और इसके अलावा जो लोग भी ट्रेड वाले लोग हैं वो लोग डेफिनेटली 27 तारीख को आ सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी जैसे अभी सडन आई है वैसे वैकेंसी आती रहेगी, और ये चीज़ मैं आपको इस साल के शुरू में ही बता चुका हूँ मैं कि वैकेंसी वर्क परमिट के लिए आती ही रहेगी। आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं, किसी भी ट्रेड का एक्सपीरियंस है या जनरल हेल्पर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं 27 तारीख को 10 बजे, और जो लोग भी आए वो अपने डॉक्यूमेंट्स पहले भेज के रखें जिससे कि उनका असेसमेंट हम पहले से करवा लें कि उनका काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आप कहीं से भी हो लेकिन 27 तारीख को अगर आप आ सकते हैं तो अपने सभी डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर स्कैन करके रिज्यूमे वर्ड फॉर्मेट में वाइड बैकग्राउंड फोटो पासपोर्ट फ्रंट एंड बैक कलर स्कैन कॉपी इसके अलावा रिज्यूमे में पासपोर्ट में जो भी वीजा की कॉपी लगी हुई वो कॉपी आप स्कैन करके आप भेजेंगे, आपको हम रिजल्ट बता देंगे कि आपका इसमें शॉर्टलिस्टिंग हो सकता है कि नहीं, अगर हो सकता है तो आप ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, ऑफिस टाइम में ही कॉल करें, ऑफिस टाइम के बाद में कॉल ना करें। दोस्तों इन्फॉर्मेशन के लिए आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं जिसमें आपका पूरा नाम सिटी अपलाइड पोजीशन मेंशन करेंगे, आपको जानकारी जरूर मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट्स आप ईमेल करेंगे तो ईमेल में सब्जेक्ट लाइन एप्लीकेशन फॉर AC टेक्नीशियन प्रोफाइल ऐसा करके मेंशन करेंगे फॉर सिंगापुर, आपको रिवॉर्ड जरूर मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।